नमस्कार, मैं योगिता बिस्ट। जैसा कि हम रोज चुनावी यात्रा में जा रहे हैं, तो आज हम आपको एक ऐसी स्टोरी कवर करके दिखाएंगे जो कि चुनाव से रिलेटेड नहीं है। जी हाँ, आज हम आपको एक रानीखेत के सिद्ध प्रसिद्ध शक्तिपीठ की दर्शन कराएंगे जो कि रानीखेत से 2 किलोमीटर आगे स्थित है। आइए इस मंदिर की जानकारी यहीं के पुजारी जी से लेते हैं, तो आइए आपको ले चलते हैं इस मंदिर के अंदर। हम पहुंच चुके हैं मंदिर परिसर में, आइए जानते हैं यहाँ के मुख्य पुजारी से कि क्या है इस शक्तिपीठ का इतिहास। जब मैं आया इस जगह पर उजड़ा खंजर मंदिर पड़ा था, चारों तरफ मिट्टी कंकर झाड़ पातों का ढेर सड़ा था। आगंतुक जनों से मांग के दुर्गा मंदिर का निर्माण किया, धन्य हो दाता भक्त जनों को तन मन धन खूब प्यार दिया। काली माँ की असीम कृपा से क्या ही सुंदर उजागर हुआ, संगमरमर के पत्थर बिछे हैं, सुमेह का सुधार हुआ। मंदिर के चारों ओर घिरे हैं देव वृक्षों की पंक्ति, यहाँ सुंदर सुखद क्या मधुर पवन, बहुत ही मन को भाए जहाँ। पुजारी जी, यहाँ कहते हैं कि ये एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? लोगों की बहुत सारी मान्यताएं हैं, जैसे हम अभी आ रहे थे हमने देखा था कि नीचे से आते वक्त बहुत सारी चुनरियां जो कि मन्नतों की होती हैं वो बांधी गई थी, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं सुनाता हूँ बेटे, मेरा कोई बीमारी नहीं थी, इसने सेवा लेनी, मैं ये पैसा वैसे के चक्कर में नहीं था, इसने कहा इसी से लेनी है सेवा, काट के बैठा दिया। एक बंगाली आया जिसके बच्चे का 10 इंच पांव छोटा था, अमेरिका ले गया। डॉक्टर ने कहा काट के बराबर कर देता हूँ, बोले नहीं, आपके भारत में लाखों आदमी जहाँ पूजा करते दैनिक, अरबों के मंदिर बने हुए हैं, सब घूम के यहाँ आया, गुरुजी बच्चे का पांव कैसे आएगा बराबर? मैंने कहा मैं भगवान नहीं हूँ, ये क्या नहीं कर सकती उलट पुलट। 10-15 साल के बाद ये घंटा लेके आया, खूब आंसू बह रहा है, मैंने कहा क्या हुआ? बोले गुरुजी पांव बराबर हो गया। तो ये महाशक्ति जो है ये चेतन शक्ति है, कितने बार 3-4 बार तो मेरे को दर्शन में, तो अकेले रहता था जंगल झाड़ी थी, थोड़ा सा कुछ भय नहीं, डरना नहीं, मैं हूं ना तेरे साथ। पुजारी जी, यहाँ हम पहले, मैं कई बार आ चुकी हूँ, पीछे एक बाबा जी की समाधि है, तो आप बता सकते हो? हाँ बिल्कुल बताऊंगा। बाबा जी यहाँ कैलाशगिरी नाम था उनका, तपस्या करते थे, अब जाने की समय आ गई, वो हौलदार उसका जो महाराज के सेवा में रखा था मिलिट्री वाले, वो भी मिलिट्री के ही थे, तो वो उसने पूछा महाराज आप तो तैयार हैं जाने को, यहाँ कौन रहेगा? बोले चिंता मत कर, 2-3 दिन में पहुंच जाएगा, जानना पहचान मैं तेरा मेहमान। अब मैं घूमते फिरते आया तो नीचे है, मैंने कहा भाई बच्चे मिले मेरे को शाम को रास्ते में, मैं कहाँ तक पहुंचूंगा, किसी ने मछकाली का किसी ने कुछ कहा, बोले महाराज आप ऊपर कालिका मंदिर जाइए, वहाँ बाबा जी समा गए, 3 दिन हो गए, वहाँ जाइए। आया तो उसने चाय वाय पिलाया, मैं चलने को तैयार हुआ, बोले गुरु जी आप तो यहीं के लिए आए। अच्छा बाबा जी, यहाँ पीछे धूनी भी है, तो ये तो माता रानी का मंदिर है, तो धूनी किस कौन सी उपलक्ष्य में बना हुई है? सिद्ध बाबा कैलाशगिरी जी की धूनी। अच्छा, तो यहाँ वैसे तो मंदिर माता रानी का ही है, लेकिन माता रानी के कौन से रूप की पूजा की जाती है यहाँ? ये इसके विषय में बताना मेरे संभव नहीं है, क्योंकि हजारों वर्ष पूर्व कब से था यहाँ ऋषि मुनियों की तपस्थली रही है। हाँ, जैसे कि हमने भी इसके बारे में जब सर्च किया तो लगभग अंग्रेजों के जमाने से पुराना ये मंदिर बताया जाता है, तो आपका क्या कहना है इस पे? इतना ही समझ लो कि जो कार्य कहीं नहीं होता है ये बनाती है, चेतन शक्ति है। अच्छा, इस मंदिर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जो रामनगर में गर्जिया देवी मंदिर है, बिल्कुल ठीक कहा, तो यही देवी हैं जो वहाँ विराजमान है, यहीं से गई हुई हैं, तो आप कुछ बताएंगे इसके बारे में? कुछ ऐसा था, किसी ने शायद से यहाँ उपट्टा देवी के नाम से जाना जाता था, ऐसा कुछ हमने भी पुरानी रिसर्च किया, तो जगह का नाम है इसका है उपट कालिका, इसको कहते हैं। तो उपट कालिका कैसे हुआ? एक ऐसा तूफान आया जिससे जो है यहाँ का एक पहाड़ का टुकड़ा उड़ करके
कोसी नदी के नाम से जो है वहाँ से बहता हुआ वहाँ गर्जिया पहुँच गया। गर्जिया मंदिर की स्थापना होने के बहुत सालों बाद भी जो रानीखेत के एक पुजारी थे वहाँ, उन्हें सपना आया था कि जो वहाँ मंदिर में मूर्तियाँ स्थापित करनी है वो यहीं मिलेंगी, तो इस बारे में आप कुछ बता सकते तो हैं? वहाँ जो है वो बेताल ने, गर्जिया के बेताल ने जो है फिरो बहना फिरो, तो वो वहीं रुक गया, तब से उसका नाम है, यहीं से गई हुई देवी है वो। हाँ, मतलब जो गर्जिया देवी हैं तो वो देवी उपट्टा का ही एक रूप हैं जैसे कि आप जानते हैं। और ये मंदिर परिसर बहुत ही भव्य इलाके में बसा हुआ है, लोगों की, स्थानीय लोगों की यहाँ बहुत सी मान्यताएं हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ जब हम आ रहे थे तो आपको दिखाया कि यहाँ बहुत सारी मन्नत की चुनरियां बांधी गई हैं। मन्नत की चुनरियां बांधी जाती हैं और मन्नत पूरी होने के बाद उन्हें खोल दिया जाता है। तो ये थी हमारी एक स्पेशल रिपोर्ट देवी उपट्टा कालिका, जिसे कि रानीखेत में कालिका देवी के नाम से भी जाना जाता है।